छत्तीसगढ़ के जगदलपुर से खबर है, जहां भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव का बयान सामने आ रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार केंद्र की सत्ता संभालते हुए सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के मूल मंत्र को लक्ष्य बनाकर देश के विकास का जो संकल्प व्यक्त किया था, अपने इस कार्यकाल में 100 दिनों में इन पर उन्होंने तेजी से अमल किया है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि 100 दिनों में 3 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इसमें सड़क, रेल, बंदरगाह और हवाई मार्ग पर प्रमुख रूप से फोकस किया गया है। सेवा का मार्ग ये निश्चित किया गया है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी यशस्वी हो, दीर्घायु हो और बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं। जहाँ तक जगदलपुर सेवा ही संकल्प प्रधानमंत्री के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में एक मेगा हेल्थ कैंप का आयोजन यहाँ किया गया है। 2 दिवसीय कल भी रहेगा चंद्रगा हमारे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश और चिकित्सक उसमें सम्मिलित हुए हैं। निःशुल्क और जाँच करेंगे और आवश्यकता अनुसार उनको टिप्स देंगे और साथ ही में आज विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तो हमारे देश के नहीं विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं और बिना थके, बिना रुके, बिना थमे, बिना किसी उसके देश को विकास की और अग्रसर विकास की अग्रसर कर रहे हैं और निश्चित रूप से आज के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी देश की ओर से मैं उनको हार्दिक बधाई देता, अभिनंदन करता हूँ, उनको शुभकामनाएं देता हूँ। ऐसे नेता जिन्होंने लगातार एक दिन की भी छुट्टी नहीं और राष्ट्रीय सर्वोपरि की भावना से और उन्होंने लगातार देश को आगे बढ़ाने के लिए काम किया। आज मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मोदी जी के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरा होने पर उन्होंने देश को अपनी योजनाओं से क्या क्या किया, देशवासियों को उन्होंने क्या क्या योजनाएं रखी, इस तरीके से तमाम योजनाएं मैंने उस प्रदेश में लोगों में बोला है। इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट के लिए 1,00,000 करोड़ रुपए उन्होंने दिए, विज्ञान टेक्नोलॉजी को बढ़ाने की दृष्टि से हो।